हाय गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको अपने सभी प्रोग्राम्स में बेहतरीन किस्म की टिप्स देते आए हैं, वो भी आपकी हेल्थ के बारे में। आज भी हम आपको ऐसी ही बेहतरीन हेल्थ टिप देने वाले हैं जो लेडीज से रिलेटेड है, जो लेडीज के स्पेशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, लाइक दैट विजाइना। विजाइना में अक्सर आपके कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, मोस्टली ट्यूमर पैदा हो जाता है, डायबिटिक की वजह से आपकी विजाइना फैल जाती है, जिसकी वजह से उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं कि अगर आपकी विजाइना में ट्यूमर डिवेलप हो गया है और वो अभी छोटे साइज का है तो उसको ऑपरेट करके उसको निकाला जा सकता है, लेकिन अगर आपका ट्यूमर बहुत बड़े साइज में हो गया है और वो उसकी रूट्स जो हैं वो फैल गई हैं तो आपकी विजाइना मस्ट रिमूव करनी पड़ती है। ऐसी सूरत में आपकी विजाइना को रिमूव करना पड़ता है। सेम इसी तरह अगर आपकी डायबिटिक की वजह से आपकी विजाइना का साइज बड़ा हो गया है, विजाइना आपकी फैल गई है तो आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो उस सूरत में भी आपकी विजाइना रिमूव हो सकती है। इसलिए आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल लाजमी रखें, क्योंकि इस अनजान होने की वजह से बड़े मसले में पहुँच जाते हैं। बड़े से बड़े मसले से बचने के लिए आप अपना रूटीन चेकअप करवाती रहें, आप अपने रूटीन के टेस्ट करवाती रहें। मोस्टली लोग, मिडिल क्लास लोग और जो निचले तबके के लोग हैं वो अपना रूटीन चेकअप नहीं करवा सकते। मोस्टली लोग जो हैं वो डॉक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उनको चाहिए कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना रूटीन चेकअप, रूटीन टेस्ट करवाते रहें ताकि वो हर वक्त उसका इलाज करवा सकें। क्योंकि मिडिल क्लास और निचले तबके के जो लोग हैं वो इन बातों को इग्नोर करते चले जाते हैं और इसी इंतज़ार में रहते हैं कि किसी अच्छे डॉक्टर की फ़ीस जमा हो जाए तो हम जाएं। उनको चाहिए अगर वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देर ना करें, बर वक्त अपना इलाज करवाएं और सेहतमंद रहें। अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें।